मैं राजस्थान में हूँ, ये अजमेर है, किशनगढ़ है, और यहाँ की जनता से हम बात करेंगे कि इस चुनाव में क्या माहौल होने वाला है। कांग्रेस ने कर क्या दिया है? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया। क्या नहीं किया कांग्रेस ने? लाइट कहाँ से देखी आपने? कांग्रेस के राज में देखी आपने? सड़कें आपने कांग्रेस के राज में देखी है? मोदी जी कह रहे हैं हमने इतना काम किया है, राम मंदिर दिया है। मोदी जी ने राम मंदिर बनाया तो वो प्रधानमंत्री से पद छोड़ के उसकी सेवा करने लग जाए ना, जो पूरा खर्चा चल जाएगा। पहले लेट 30 चक्कर में बीजेपी आ गई, अब नहीं आएगी यहाँ पे राजस्थान में। मोदी जी कहते हैं कांग्रेस ने लूटा हुआ। मोदी जी कहाँ से चाय बेची है? मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। कौन? बीजेपी। बीजेपी ना, पहले मोदी लेर थी, अब अशोक गहलोत लेर है। कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को देंगे। अरे मोदी जी के तो लुगाई नहीं है, आपके तो लुगाई है, मेरे लुगाई है, आपकी लुगाई आपकी। पर्सनल है, पर्सनल है, पर्सनल। वो वोट भी पर्सनल है भाई साहब। नमस्कार, इस वक्त मैं राजस्थान में हूँ, ये अजमेर है, किशनगढ़ है, और यहाँ की जनता से हम बात करेंगे कि इस चुनाव में क्या माहौल होने वाला है, क्योंकि अशोक गहलोत का काफ़ी दावा है कि मैंने विकास किया है। अगर विकास किया है तो जनता क्या बोल रही है, ये बात हम जनता से जानेंगे। तो ये किशनगढ़ है और यहाँ का इतिहास है जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बता सकता हूँ। देखिए यहाँ पर बीजेपी से सांसद जी हैं और कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, निर्दल भी यहाँ पर मौजूद हैं जो काफ़ी किशनगढ़ में जुड़े रहें। तो यहाँ की जनता से बात करेंगे, आपको देंगे यहाँ पे। गहलोत साहब का आदमी है, गहलोत जी का आदमी है, आदमी है, फंड दिया, उसने काम किया है, वोट उनको देंगे। गहलोत जी के साथ ही है, उन्हीं को वोट दोगे? हाँ, गहलोत जी के साथ उनको वोट देंगे। और हम टांग देंगे, टांग को देंगे, हमारे क्षेत्र में उसने काम किया है, टांग को देंगे। हाँ, उसने क्षेत्र में काम उसने किया है। अरे बीजेपी वाले तो कह रहे हैं हम काम कहाँ किया है काम, वो एमपी साहब जो गांव में गाने गा रहे हैं उनको। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं हमने इतना काम किया है। बागर जी को देखो, क्षेत्र में जाट ही गाने गा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं हमने इतना काम किया है, राम मंदिर दिया है, पला पला पता नहीं क्या तो बनाया मोदी जी बनाया है। क्षेत्र में एमपी साहब को भारतीय फिर एमएलए का टिकट और ले दिया। क्षेत्र में तो कभी वो गए नहीं, जाति को जो नहीं मिले कभी। यहाँ से जो सांसद जी है वो विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, ये और क्या कह रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं ना। जब बेचारा विकास था तो फिर उसको देते ना बीजेपी का टिकट, भागवत जी उसको दिलाते ना। तो यहाँ पर मामला क्या है? यहाँ देखो, टांके और विकास जी का मुकाबला है, टांक और विकास, विकास और भागवत जी जाएंगे तीसरा नंबर, तीसरे नंबर पे सांसद जी। हाँ, सांसद जी तीसरे नंबर पे, मतलब जाटों की यहाँ सदी है, थड़ी है यहाँ पे। अच्छा, जाटों का। तो अब ये अच्छा, मान लो कांग्रेस सरकार बन जाए तो सीएम किसको देखना चाहोगे? सीएम तो देखो, जो जो काबिल होगा वही बनेगा। अब सचिन पायलट या अशोक गहलोत? अब जैसे जो है सचिन पायलट या अशोक गहलोत? अरे गहलोत बनो या पायलट बनो, बूढ़े हो गए। गहलोत ही तो दूसरे को बना दे तो क्या बड़ी बात है। मतलब बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए हमारे जैसे। तो इससे अच्छा है कि सचिन पायलट को बना दो। अरे भाई, इसको बना दो ना, हमारे इसको बना दो ना, किसी को दूसरे को बना दो। अच्छा, एक बात बताइए, अगर बात किया जाए तो बीजेपी जो मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि हम माहौल को बदल देते हैं, यानी मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ का माहौल बदल देते हैं। हाँ जी, मोदी जी, मोदी जी चीज अलग है, मोदी जी सबड़े नहीं है, समझे? अच्छा, मोदी चीज अलग है, मोदी जी है चीज। हाँ। पर एक दूसरे जो है ना, वो काबिल नहीं है। अब जैसे टिकट किसको दे देते हैं? हाँ। और होना देना चाहिए किसको? हाँ। जैसे कई बार दूसरे नंबर पे विकास जी थे, आजकल सब समझदार है, कहने की जरूरत नहीं है, वोट अपना पे देंगे सब, कई बार युद्ध बनी कोई नहीं। अच्छा, कहने की जरूरत नहीं पड़ती है अपना। अगर बात किया जाए, काम किसने किया, बीजेपी या कांग्रेस ने? कांग्रेस ने किया भैया, कांग्रेस ने किया, कांग्रेस का पास करा हुआ है पूरा काम यहाँ पे, कांग्रेस का पास किया हुआ है, मैं बोलता हूँ। लेकिन एक बात ये भी तो है, यहाँ का रिवाज है, यहाँ का रिवाज है, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। देखो शुरू से है ना, काम तो पूरी सड़कें पड़ के सब पास कराई सचिन पायलट की है, सचिन पायलट। और मोदी जी तो वैसे भी क्या, पूरी नौकरियों को प्राइवेट में डाल दिया। जैसे आज मैं तो चलो मजदूरी करके कर लूंगा। मोदी जी जितना काम करते हैं, 18-18 घंटा जागते हैं देश के लिए, नहीं जागते हैं चाचा, 18-18 घंटा काम करते हैं मोदी जी। कोई नहीं जागते 18 घंटे, को जागते हैं क्या? मोदी जी जागते हैं, कोई नहीं जागते हैं, देशों में डंका बसता है इस जमाने में, कोई नहीं जागता, देशों में बसता है, यहाँ पे नहीं बसता है। जो कांग्रेस ने रेलवे राजस्थान में आएंगे, एक रैली करेंगे, सब बदल जाएगा माहौल, बदलेगा भैया। देखो पहले लेर थी, सुनो, पहले लेर थी, इस चक्कर में बीजेपी आ गई, अब नहीं आएगी यहाँ पे राजस्थान में। मोदी का लहर नहीं है, नहीं है,
यार क्या बात कर रहे हो, यहाँ चारों तरफ मंदिर है, मैं देख रहा हूँ चारों तरफ मंदिर है और आप बता रहे हैं कि मंदिर क्या, मोदी जी यहाँ पे क्या आरती करने आते हैं? मोदी की आरती करने, मोदी जी राम मंदिर तो दिए हैं। अरे भैया यार कुछ नहीं है, वो तो सब पब्लिक ने करा हुआ है, मोदी जी क्या घंटा कर। लेकिन हमें एक बात नहीं समझ में आ रहा है, कांग्रेस ने कर क्या दिया है? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ। बात तो सुनो एक मिनट, कांग्रेस की पूरी सड़कें पास कराई हुई है। बात सुनो, मेरी बात सुनो, इनकी बात किया है कांग्रेस ने, क्या नहीं किया आप बताओ, ये बात क्या नहीं किया कांग्रेस ने? लाइट कहाँ से देखी आपने? कांग्रेस के राज में देखी आपने? सड़कें आपने कांग्रेस के राज में देखी है? समझ रहे हो? पानी की टंकियां आपने कांग्रेस के राज में देखी है? सड़कें आपने गांव कांग्रेस के राज में? मोदी जी कहते हैं कांग्रेस ने लूटा हुआ। कब मोदी जी कहाँ से चाय बेची है? मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। बीजेपी लूट रही है, महंगी भाड़ा कितना है? क्या नहीं किया कांग्रेस ने? आप मेरे से बात करो, क्या नहीं किया कांग्रेस ने? आप इसको लूटा है बता रहे हैं। ट्रेनों में बैठ रहे हो आज, बसे में बैठ रहे हो, जो गाड़ियों में बैठ रहे हो वो कांग्रेस के राज में बैठ रहे हो। 14 के बाद में मिला है, आप क्या बात कर रहे हैं? क्या क्या मिला है 14 के बाद? 14 के पहले आपके पास कुछ नहीं था, आपके घर वालों के पास कुछ नहीं था, कांग्रेस के राज में कुछ नहीं था, कहने का मतलब ये आपका? नहीं नहीं मोदी जी क्या, मोदी जी क्या, हाँ बोलो मोदी जी क्या? मोदी जी आए हैं, विकास हो रहा है बता रहे हैं। अरे विकास तो कहाँ हो रहा है? एक कारण है, एक सेकंड, कहाँ हो रहा है विकास? कहाँ हो रहा है आप बताओ, आप बताओ कहाँ हो रहा है विकास? कहाँ हो रहा है विकास? आरा 370 हटा, अरे वहाँ जाके बच जाएंगे सारे। 370 हटा दिए, वहाँ प्लाट दिला रहे हैं मोदी जी। 370 हटा के क्या वहाँ करोड़ रोजगार दे रहे हैं मोदी के पास? अरे 370 प्लॉट मिल गया, किसको मिल गया ये तो बताइए आप। तो राम मंदिर भी तो दिए भैया। अरे राम मंदिर पब्लिक ने दिया है यार, मोदी जी ने क्या दे दिया बजाय हम? शाम को है ना, शाम को बच्चे रोटी मांगते हैं, मंदिर का घंटा बजाने से कुछ नहीं होता है। शाम को बच्चे रोटी मांगते, रोटी मांगते हैं, मंदिर का घंटा बजाय राम मंदिर की पूजा करेंगे जाके, घंटा बजाय रोज। यार मैं यहाँ पर देखिए जगह जगह पे भगवा दिखा रहा है, इसकी लाज जो, इसकी इज्जत जो है मोदी जी रखते हैं। थोड़ी चलती है बेरोजगारी, कितनी पैर लगी है? एनपीएस किसने लागू किया? किसने लागू किया? कांग्रेस ने। एनपीएस बंद किसने किया? किसने किया? आज पेंशन पहले मोदी लेर थी, अब अशोक गहलोत लेर है। अशोक गहलोत में, अशोक गहलोत लेर है, रिवाज है, कुछ नहीं कर सकते, बता रहे रिवाज। माइक लेके घूमो और मजे आ रहे, मोदी जी आएंगे। अरे ये किशनगढ़ में देखिए इतिहास बदलने वाला है। अरे नहीं बदलने वाला, कर रहा है कौन? मना कर रहा है मोदी जी को आने से? कोई किसी के कहीं जाने से मना करता है क्या? मोदी जी आए, वेलकम है। अरे वेलकम, समझदार है, सब समझदार है। मोदी जी आएंगे, वेलकम है। हाँ वेलकम है मोदी जी का, वोट डालने की बारी आएगी तो सब समझदार है, समझ रहे हो अपनी। अरे देंगे, अरे मोदी जी के तो लुगाई नहीं है, आपके तो लुगाई है, मेरे लुगाई है, आपकी लुगाई आपकी पर्सनल है, पर्सनल है, पर्सनल। वो वोट भी पर्सनल है भाई साहब। अरे पर्सनल, अरे वोट भी पर्सनल है, पर्सनल के देने से अच्छी बात नहीं है। नहीं अच्छा, नाम है, नाम क्या भैया? मेरा तो लुकमान भाई नाम है। तो आप ऐसी बातें ना करिए। कैसी क्या कह दिया? क्या हमें समझ में आ गया? आप इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि मोदी जी जो है हिंदुओं के लिए काम करेंगे? राष्ट्रपति हमारे वो है, प्रधानमंत्री है, वो विरोध क्यों करेंगे? यहाँ पे हिंदुओं चाहे मुसलमानों सब में एकता है। ये मोमडन है, मैं गुजर हूँ भाई भाई की जैसे रहते हैं। आप सचिन पायलट वाले? हाँ, जातिवाद चला रही है। अभी ये मोमडन है, हम सात रोटी खाते एक साथ, इसके घर पे मैं चल जाऊँ। क्या हाल है? हाँ भैया बढ़िया। नौजवान क्या सोच रहा है ये इस चुनाव में, जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, नौजवान क्या सोच रहा है? किशनगढ़ के लोग क्या सोच रहे हैं? जी सर, ऐसा है कि कोई सी पार्टी हो, लेकिन यही है कि जिन्होंने जीतेगा कौन? बीजेपी। बीजेपी ना, देखिए बीजेपी जीतेगी, देखिए बता रहे हैं। कोई गुंडे भाई साहब, देखो टांग काम कराइए, टांग नहीं वोट देगी। कितने विचार पूछा जो मोहल्ला में, टांग काम कराइए, टांग नहीं वोट देगी। अरे तो वोट तो हम तो आदमी देख के देंगे, वोट तो आदमी देख के देंगे। जो किशनगढ़ में विकास करा रहे उसको देंगे वोट हम तो, जो किशनगढ़ के अंदर आदमी। कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस ने क्या कर दिया है? सब किया कांग्रेस ने, क्या कर दिया? सब पूरा किया है। बीजेपी वाले भैया कह रहे हैं 14 के बाद विकास हुआ है। पेंसिल आज वो दे रहे हैं, गांव फ्री वो दे रहे हैं, लाइट फ्री वो दे रहे हैं, सब काम कांग्रेस करवाई है। क्या करते हो? गरीबी की सरकार कांग्रेस है। सिलेंडर कितना सस्ता किया मोदी जी ने पता है? लियम रोज में क्या है? ये लोग सामने किए हैं मोदी साहब। यह सरकार तो, यह सरकार राजस्थान में किसकी है? सरकार राजस्थान में सरकार किसकी है? किसकी है? कांग्रेस की है। तो कांग्रेस की है, इसीलिए यहाँ का विकास नहीं हो बता रहे हैं। वो करा रहे हैं, बिल्कुल होगा। विकास क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल हो रहा है। कांग्रेस ने तो सड़कें सब पूरा काम करा दिया। बीजेपी वाले बता रहे हैं कि जब से कांग्रेस आई है मुसलमानों का बोलबाला आ गया है। नहीं नहीं गलत,
कुछ नहीं, मुसलमानों को बोलबाला आ गया नहीं, कुछ नहीं, सब बिल्कुल नहीं। सुनो, किशनगढ़ के अंदर इतने विधायक आए हैं, यहाँ से 5-7 इतने विधायक आए, किसी ने भी है ना, किसी ने भी टाक साहब जितना टाक साहब ने काम कराया बता रहे हैं। अरे हिंदू मुसलमान सब एक ही यहाँ पे, आधे हिंदू बैठे आधे मुसलमान बैठे, ये सब चौक पे जितने बैठे ना सब मुसलमान है आधे हिंदू है, लेकिन कोई लड़ाई नहीं है ना, कोई बेर है हमारे बीच में, लड़ाई नहीं है, नहीं, नहीं कुछ नहीं है। कौन बोला? लेकिन बीजेपी वाले बताते हैं कि जहाँ पर कांग्रेस रहती है वहाँ पर मुसलमानों का बोलबाला है। कहने की बातें तुम्हारी, ये सब कहने की बातें हैं, वहाँ दिल्ली बैठ के बात करते हैं वो लोग, यहाँ पे नहीं होता राजस्थान में, यहाँ पे ऐसा राजस्थान में सब एक ही बताओ। आज तक SC ST को विधायक बनाया गया? SC ST को विधायक बनाया गया, ये बताओ आप, विधायक बनाया गया ये बताओ आप, SC ST में मुद्दा कोई आगे बढ़ा गया? SC ST को कितने बढ़ावा दिया? कांग्रेस ने दिया, जब से BJP आई है तब से दलित दलित नहीं रहा, बता रहे हैं। कहाँ रहे दलित? दलित को समझते नहीं, दलित को कुछ, दलित को तो खत्म कर दिए, दलित का तो बहनों रोल ही नहीं है, सबसे ज्यादा बोर्ड दलित समाज के हैं, कांग्रेस ने उठाया दलित समाज को। मंदिर पे आप बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, ये हम यही बैठते हैं रोज, रोज यही बैठते हैं। मोदी जी ने राम मंदिर बनाया तो वो प्रधानमंत्री से पद छोड़ के उसकी सेवा करने लग जाए ना, जो पूरा खर्चा चल जाएगा, पूरा खर्चा चल जाए। मोदी जी राम मंदिर की सेवा करने बैठ जाए, अगर वो हिंदू है तो? क्या मतलब प्रधानमंत्री बनने से? प्रधानमंत्री है तो मुमकिन है, विदेश में घूम रहे हैं वो, बेरोजगारी देशों में डंका बस्ता बता रहे हैं मोदी जी, लोग डिपार्टमेंट आज हमारे राइट में दे रहा है क्या यार भैया? सारे सरकारी डिपार्टमेंट के कार्य सब प्राइवेट डिपार्टमेंट दे दिए, कोई दीदे टेंडर बेस पे आज क्या आज दी? चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि अजमेर के किशनगढ़ में होने वाला क्या है, किसकी सरकार बनने वाली है, कौन जीतने वाला है, ये बात जान लेते हैं। मोदी जी आएंगे तो लहर बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ की जनता से ही जान लेते हैं कौन जीतने वाला है। कांग्रेस जीतेगी। कौन जीतने? कांग्रेस। कौन जीतने वाला? कांग्रेस। कौन? कांग्रेस। कौन? कांग्रेस जी तो कोई भी। कौन जीत रहा है? कमल का फूल। कमल का फूल। कौन जीत रहा है? विकास चौधरी। कौन जीत रहा है? कांग्रेस। कौन जीत रहा है भैया? सुरेश टाक। कौन? गहलोत। गहलोत। कांग्रेस। तो देखिए यहाँ का सर्वे हमने कर ही लिया है, घुमा फिरा के मैंने अंदर की बात निकाल ही लिया है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या BJP जो पेश कर रही है कि जहां पर कांग्रेस की सरकार होती है वहां पर मुसलमानों का बोलबाला होता है और हिंदुत्व जो है वो खतरे में हो जाता है। यहां के लोगों ने साफ कह दिया है कि मुसलमान भी मेरा भाई है और हिंदू भी मेरा भाई है, हम लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। तो आप समझ जाइए भाई कि किसके मुंह पर कालिक है और किसके मुंह पर क्या है। बने हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज।